चुनाव है या त्रिस्तरीय चुनाव जिसे आप कहते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले का विधानसभा अध्यक्ष ने स्वागत किया है। सिंगल बेंच के स्टे को डबल बेंच ने खारिज कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये न्याय की जीत है। भर्ती मामले को लेकर डबल बेंच में दी गई थी याचिका। कहा युवाओं से किसी भी तरह का छलावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने बात कही है, कहा यह न्याय की जीत है। सिंगल बेंच के स्टे को डबल बेंच ने खारिज कर दिया और इसके बाद भर्ती मामले को लेकर डबल बेंच में याचिका दी गई थी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने इसे न्याय की जीत बताया। कहा युवाओं से किसी भी तरह का छलावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर है, हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले का स्वागत किया है विधानसभा अध्यक्ष ने। सिंगल बेंच के स्टे को डबल बेंच ने खारिज कर दिया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा कि न्याय की जीत है। युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। भर्ती मामले को लेकर डबल बेंच में याचिका दी गई थी। कहा युवाओं से किसी भी तरह का छलावा बर्दाश्त नहीं करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले का स्वागत किया। बड़ी और अहम खबर, संवाददाता सुरेंद्र सिला हमारे साथ कनेक्ट है। सुरेंद्र, विधानसभा अध्यक्ष ने भी फैसले का स्वागत किया है, एक अहम निर्णय उनके लिए भी। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से किसी विधानसभा भर्तियों का जो पूरा मामला है, ये विधानसभा भर्ती का मामला नहीं, स्टेट के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्टेट ने ही इन भर्तियों का खुलासा किया था और हमने कहा था कि ये बैकडोर से भर्तियां गलत हैं, नियमों के विरुद्ध हैं। और उसके बाद इस पर विधानसभा में एक कमेटी बैठी, स्पीकर ने कार्रवाई की। लेकिन पहली जो सिंगल बेंच में ये मामला गया तो उनको स्टे मिल गया था, और लेकिन आज डबल बेंच में जब विधानसभा इसको लेकर गई है तो डबल बेंच ने सीधे ये कह दिया कि जो विधानसभा का आदेश है वो ठीक है, यानी जो स्टे था उसे खारिज कर दिया, ये लोग बर्खास्त ही रहेंगे। स्पीकर ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को ले जाऊंगी। उसे न्याय की जीत उन्होंने बताया है। लेकिन इस पूरे मामले में हम लगातार जब तक खबर कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि ये पूरी नीतियां ही गलत थी। सिर्फ विशेषाधिकार का दुरुपयोग करके और ये हवाला देके कि स्पीकर को इस तरीके के अधिकार होते हैं, तत्कालीन स्पीकर ने जो भर्तियां की थी उन पर तब भी सवाल थे, और आज जब डबल बेंच ने ये फैसला दिया है तो कहीं ना कहीं अब इसके साथ क्या आगे कार्रवाई की कड़ी भी कवायद भी हम देख पाएंगे। सुरेंद्र, एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई थी लेकिन पिछले कार्यकालों में जो भर्तियां हुई गलत तरीके से, एक्शन का मोड आगे क्या आप दिखने की उम्मीद है? सुरेंद्र आवाज आ रही है आप तक? चलिए शायद कनेक्ट नहीं। सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। सिंगल बेंच के स्टे को डबल बेंच ने खारिज किया है, विधानसभा अध्यक्ष ने स्वागत किया। गाजियाबाद